हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर पीयूष रंजन आज आप लोग को भूगोल के विषय में पढ़ाऊंगा। और भूगोल में मेरा जो टॉपिक है वह है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, यानी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। हम ये जानने की कई बार हमारे अंदर ये एक जिज्ञासा होती है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये तारे, ग्रह, उपग्रह, सौरमंडल, ये आकाशगंगा, ये सब कैसे बने और किस तरह से इसका निर्माण हुआ और कैसे ये चल रहे हैं, कैसे ये एक दूसरे से नहीं टकराते हैं और ये कैसे प्रकाश हमारे पास आता है, कैसे तारा काम करता है। इस सब चीज़ों के बारे में हमको लेके बहुत सारी उत्सुकता रहती है। और ये उत्सुकता आज ही नहीं है, ये उत्सुकता हमें प्राचीन काल से ही देखने को मिलती है। कैसे? जब हम देखते हैं कि अलग-अलग खगोल वैज्ञानिक जो शुरुआती फेज में पृथ्वी को लेके, सूर्य को लेके, इस ब्रह्मांड को लेके अलग-अलग अपना अपना मत देते आए हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ये ब्रह्मांड है क्या, इसको कैसे परिभाषित करते हैं, क्या डिफिनेशन क्या है। तो हम एक लाइन में ये कहने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्मांड जो है वो पृथ्वी यानी ग्रह, उपग्रह, सौरमंडल, तारा, आकाशगंगा का एक सम्मिलित रूप है। यानी इन ग्रहों, उपग्रहों, तारों और सौरमंडल से ही इस ब्रह्मांड का निर्माण होता है। यानी हम क्या देखते हैं कि जब भी ये पूरा जो सेलेस्टिकल बॉडीज है, यानी खगोलीय पिंड है, जो आकाशीय पिंड है, इन्हीं से मिलके पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। और इस ब्रह्मांड के अध्ययन को, यानी वैज्ञानिक अध्ययन को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। इस कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि एंशियंट टाइम से ही, बहुत मतलब पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी से ही इस ब्रह्मांड को लेके, पृथ्वी को लेके, सूर्य को लेके अलग-अलग खगोल वैज्ञानिकों ने अपने अपने जो सीमित नॉलेज थे, जो सीमित अध्ययन था, उसके आधार पे अपना अपना मत दिया। देखिए, उस समय टेक्नोलॉजी का इतना डेवलपमेंट नहीं था। इनिशियल स्टेज में हम देखते हैं, जब पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी में, हम क्या देखते हैं कि वहाँ दूरबीन का भी आविष्कार नहीं हुआ था। हम जो भी देख रहे थे अपनी नंगी आंखों से, रात में टिमटिमाते हुए तारों को देख पाते थे, चांद को देख पाते थे। और उसी के आधार पे हम ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा बहुत जानने या एक अंदाजा लगाने की कोशिश करते। फिर हम धीरे 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 इसी में आगे, जैसे जैसे और भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ों का डेवलपमेंट होने लगा, उसी बेस पे हम देखने लगे कि ये ब्रह्मांड कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहला ब्रह्मांड को लेके जो पहला जो वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में देखने को मिलता है वो है टॉलमी का अपना एक मत। टॉलमी एक मिस्र और यूनानी खगोल शास्त्री थे, जो लगभग 140 ईस्वी के आसपास उन्होंने अपना एक मत दिया कि पृथ्वी जो है ये पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में है, और जो सूर्य सहित जितने भी आकाशीय पिंड है, यानी सेलेस्टिकल बॉडी है, वो इसकी परिक्रमा करते। यानी ये उनका जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत को कहा गया जियो सेंट्रिक थियरी। क्या कहा गया? जियो सेंट्रिक थियरी। इसमें उन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य सहित सारे आकाशीय पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि अगला जो मत आता है वो लगभग 1300-1400 साल बाद निकोलस कापरनिकस का आता है, जो एक पोलैंड का खगोल शास्त्री थे। इन्होंने लगभग 1473 से लेके 1541 के अपने जीवन काल में एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत को कहा गया है हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत। इस हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत में इस हेलियोसेंट्रिक थियरी में ये
कोपरनिकस ने कहा, जो पोलैंड के खगोल वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये कहा कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में, यानी जो टॉलमी का सिद्धांत था, जियोसेंट्रिक सिद्धांत, जिसमें उन्होंने कहा था कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में, उन्होंने इसको पूरी तरह से उलट दिया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में, और ये उनका सिद्धांत उस समय का सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत साबित हुआ, और इसीलिए आज उनको हम आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक के रूप में जानते हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि इसके बाद भी बहुत सारे अलग अलग वैज्ञानिकों ने बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। इसमें खास तौर से हम उस चीज़ों के बारे में जानेंगे कि कैसे अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए। फिर हम क्या देखते हैं कि 1610 में एक दूरबीन निर्माता गैलीलियो जो इटली के थे, उन्होंने दूरबीन का निर्माण किया, और यह निर्माण खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम। क्यों? क्योंकि अब तक हम नंगी आंखों से ब्रह्मांड को देखते थे, सूरज को देखते थे, चांद को देखते थे, रात में असंख्य तारों को देखते थे, और उसी के आधार पर हम अपनी एक धारणा, अपना एक कंसेप्ट बना के चलते। लेकिन इस दूरबीन के आविष्कार ने सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम यह उठाया कि हम अब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तारों को, अलग अलग खगोलीय पिंडों को देख सकते, और उस बेस पे एक अध्ययन का एक बड़ा क्षेत्र खगोल विज्ञान के क्षेत्र उभरा। फिर हम आगे क्या देखते हैं कि अगला नाम जोहानस कैपलर का आता है। कौन? जोहानस कैपलर का आता है। जोहानस कैपलर का आता है। इन्होंने 16वीं सेंचुरी में एक दो नियम या दो धारणाओं का विकास किया, या दो कंसेप्ट का विकास किया। इसमें पहला कंसेप्ट था ग्रहों का ऑर्बिट का रूल, यानी ग्रह और अपने ऑर्बिट में कैसे घूमते हैं और वो कैसे एक दूसरे से नहीं टकराते हैं, इस बारे में उन्होंने एक सिद्धांत। दूसरा इनका जो सिद्धांत था वो पहले सिद्धांत से मिलता जुलता था। उन्होंने कहा कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य ही ब्रह्मांड के केंद्र में है, यानी उन्होंने कोपरनिकस के ही सिद्धांत को समर्थन किया, यानी हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत, जिसमें यह कहा गया है कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, उन्होंने इस बात का समर्थन किया है। फिर हम अगला क्या देखते हैं कि विलियम हर्सले, कौन? विलियम हर्सले, जो 1850 में ये कहाँ से थे? ब्रिटेन से थे। उन्होंने 1850 में अपना सिद्धांत दिया, और उन्होंने क्या कहा कि सूर्य या पृथ्वी नहीं बल्कि सौरमंडल जो है वो आकाशगंगा का केवल अंश मात्र है। मतलब उनका क्या था, ये सूर्य और पृथ्वी से बढ़ के, एक स्टेप आगे बढ़ के इन्होंने सौरमंडल की बात की और आकाशगंगा की बात की, सोलर सिस्टम की बात की और गैलेक्सी की बात की। इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि उन्होंने जहां पूर्व के खगोल वैज्ञानिक जो सूर्य और पृथ्वी को के इर्द गिर्द ही जिनका रिसर्च या अध्ययन चल रहा था, उनसे आगे बढ़ के विलियम हर्सले ने सौरमंडल और आकाशगंगा के बारे में बताया, और यह बताया कि सौरमंडल जो है आकाशगंगा का एक अंश मात्र। मतलब क्या है, आकाशगंगा सैकड़ों या कहें कि लाखों सौरमंडल से मिलके बना हुआ है। ये एक महत्वपूर्ण
अध्ययन था जो आने वाले भविष्य में खगोल शास्त्र या खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी सारे बदलाव लाने। फिर हम अगला क्या देखते हैं, एडविन हवल। एडविन हवल जो अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1925 में एक सिद्धांत दिया जिसे मिश्रित ब्रह्मांड सिद्धांत कहा। इस मिश्रित ब्रह्मांड सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है और पूरा ब्रह्मांड फैल रहा है इस बारे में बताया कि आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जा रही है, मतलब एक दूसरे से डिस्टेंस उसका बढ़ रहा है और पूरा ब्रह्मांड जो है जिसमें ये आकाश सैकड़ों आकाशगंगा लाखों आकाशगंगा है वो फैलता ही जा रहा है। मतलब क्या है, आकाशगंगा और ब्रह्मांड का जो आकार है बल्कि इनफाइनाइट है, सीमित है, अनंत है। दूसरा पॉइंट हम ये देखते हैं जो एडविन हवल ने कहा, वो यह कहा निश्चित समय में या तो यह महाक्रंच के रूप में एक बिंदु पर समाहित हो जाए या फिर यह सौरमंडल या आकाशगंगा ब्लैक होल में समाहित हो जाए। मतलब क्या था इनके बात का ये मतलब था कि ये जो आकाशगंगा फैल रहा है वो पूरा अनंत तक फैलते फैलते फिर जाकर यह एक बिंदु पर आपस में समाहित हो जाएगा, क्योंकि हम आगे जब पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी को तो हम इसको वहाँ पे इस चीज़ को भी देखेंगे कि कैसे एक बिंदु से पूरा ब्लास्ट है एक बिंदु पर असीमित घनत्व के सीमित हो जाने के संकुचित हो जाने के बाद जो 15 अरब वर्ष पूर्व एक ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट से जो द्रव्यमान बाहर निकला उसी से ही आकाशगंगा तारे ग्रह आदि बने। इन ग्रहों का जो विस्तार हो रहा है वो फिर एडविन हवल के अनुसार एक दिन फिर एक बिंदु पर आकर महाक्रंच के रूप में समाहित हो जाए या यह ब्लैक होल में शामिल हो जाए। मतलब क्या है कि जो आकाशगंगा बन रही है उसका एक जीवन काल है और उस जीवन काल को पूरा करके अपने आखिरी चरण में वो अब या तो एक बिंदु में समाहित हो जाएगा या वो ब्लैक होल का पार्ट हो जाएगा। इस तरह से एडविन हवल का यह सिद्धांत जो आज के अगर वैज्ञानिक अध्ययन को देखें तो हमको ये पता चल जाता है कि ये सिद्धांत आज भी काफ़ी तर्कसंगत है और काफ़ी वैज्ञानिक आधार पे काफ़ी मजबूत है। इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि पूरा ये जो सिद्धांत है ये शुरुआती चरण के खगोल विज्ञान की चर्चा करते हैं। अब एक चीज़ और महत्वपूर्ण है जो हम समझने की कोशिश करेंगे जो इस खगोल विज्ञान या खगोलकी के पार्ट को समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है लाइट ईयर। ये लाइट ईयर क्या है, यानी प्रकाश वर्ष, क्या यह वर्ष जो है वो इसके समय को बताता है? नहीं, ये प्रकाश वर्ष जो है दो खगोलीय पिंडों के बीच के दूरी के को प्राप्त करने के लिए एक यूनिट के रूप में काम करता है। अब ये यूनिट छोटी मोटी यूनिट नहीं है, जैसे किलोमीटर माइल इस तरह के यूनिट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी यूनिट है जो पूरे ब्रह्मांड में फैले असंख्य पिंडों के बीच की दूरी को निर्धारित करता है या उसको मापने का काम करता है। इसमें हम एक चीज़ जानते हैं, फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि कैसे एक प्रकाश एक सेकेंड में 3,00,000 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये फिजिक्स से जुड़े वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया है कि हमारा जो सूर्य का प्रकाश है जो लाइट है उसका वेग एक सेकंड में 3,00,000 किलोमीटर। और हम देखते हैं कि यह प्रकाश की जो ये गति है वो एक वर्ष में जितना डिस्टेंस तय करती है उसी दूरी को एक प्रकाश वर्ष का, यानी ये एक बहुत बड़ा यूनिट है जो हम इसके थ्रू खगोल पिंडों के बारे में जानकारी लेते हैं।
फिर हम क्या देखते हैं कि ये दूरी लगभग एक वर्ष में कितनी हो सकती है, क्योंकि ये एक प्रकाश, एक लाइट एक सेकंड में 300,000 किलोमीटर जब चलती है तो एक साल में लगभग कितना चलेगी। तो वैज्ञानिकों ने यह वो निकाला है, कैलकुलेशन या गणना की है कि यह लगभग यह लगभग 10^12 किलोमीटर के बराबर होगी, जो एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करे। इस तरीके से हम खगोलीय पिंडों के बीच के डिस्टेंस को नापते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि ये तारे और तारे ये अब हम आते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। इसमें हम सबसे बड़ा नाम जो उभर के आता है वो आता है जॉर्ज लेमेत्रे का नाम। जॉर्ज लेमेत्रे की जो थियोरी है बिग बैंग थियोरी, जॉर्ज लेमेत्रे की जो थियोरी है कौन सी थियोरी है, बिग बैंग थियोरी। ये थियोरी 1894 में जॉर्ज लेमेत्रे नामक खगोल वैज्ञानिक ने इस थियोरी को दिया था। इस थियोरी में जो सबसे खास बात है वो उन्होंने कहा था कि पूरा ब्रह्मांड का द्रव्यमान एक बिंदु में केंद्रित है। कहाँ? एक बिंदु में केंद्रित है, और उस बिंदु का घनत्व सीमित है, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है, और वो बिंदु संकुचित ही होता जा रहा है। मतलब क्या है, वो बिंदु और धीरे धीरे संकुचित होकर और सिकुड़ता जा रहा है, यानी सिंक्रोनाइज होता जा रहा है। इन सिंक्रोनाइज बिंदु के सिंक्रोनाइज होते 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 देखते हैं यह जो लेमेत्रे हैं 15 अरब वर्ष पूर्व, कब, 15 अरब यानी 15 बिलियन वर्ष पूर्व ये सिद्धांत के बारे में बताते हैं कि 15 अरब वर्ष पूर्व जब वो पूरा ब्रह्मांड का मास एक बिंदु में संकुचित हो रहा था तो उसी समय एक ब्लास्ट हुआ। वो ब्लास्ट कब हुआ, लगभग 13.7 अरब वर्ष, और बिंदु से में जो ब्लास्ट हुआ उस ब्लास्ट के बाद पूरा ब्रह्मांड में ये बिंदु का जो मास है वो फैलने लगा, और इसी फैलने के दौरान इसी द्रव्यमान से जिसको क्या कहा गया, उस द्रव्यमान को क्या कहा गया, उस मास को क्या कहा गया, नेबुला कहा गया, नेबुला। इसी नेबुला से के अलग अलग न्यूक्लियस पे संकेंद्रित या कंसंट्रेट होने के कारण हम अलग अलग पिंडों का निर्माण देखते हैं, जैसे तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सब इन्हीं मास, इन्हीं नेबुला के संघनित होकर अलग अलग न्यूक्लियस पर जमा। और इस सिद्धांत के कई पक्षों का समर्थन एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक कौन, रॉबर्ट मेनेगर, कौन, रॉबर्ट मैगनर ने कि हाँ, जॉर्ज लेमेत्रे का सिद्धांत पूरी तरह से वैज्ञानिक है, और यह प्रमाणित करता है कि पूरे विश्व का जो निर्माण हुआ लेमेत्रे ने, जो सुनिए एक बार फिर से सुन लीजिए, लेमेत्रे ने बताया कि आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व पहले ब्रह्मांड का सारा द्रव्यमान एक बिंदु पर संचित था, उसमें लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व महाविस्फोट हुआ, यह द्रव्यमान
ब्रह्मांड में तेजी से बिखर गया, क्योंकि यह केंद्र से आपस में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यह महाविस्फोट की वैज्ञानिक व्याख्या। उसी बिखरे द्रव्यमान से क्या क्या बने, वही मैंने बताया, तारे, ग्रह, उपग्रह, ब्लैक होल, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ब्लैक होल के बारे में, और डार्क एनर्जी आदि बने। और इन्हीं चीजों से पूरे ब्रह्मांड का जो खगोलीय पिंड है वो इसी से निर्मित हो, इस बिंदु से जो ब्लास्ट हुआ, इसी ब्लास्ट निकलने वाले मास से नेबुला कहा गया। इन्हीं नेबुलाओं से अलग अलग पिंडों का निर्माण हुआ और इन्हीं पिंडों के मिलने से पूरे ब्रह्मांड की क्या उत्पत्ति हो। इस तरीके से जो सबसे पहला और सबसे वैज्ञानिक प्रमाण जो देखने को मिलता है वो जॉर्ज लेपेरे का यह सिद्धांत देता है, तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से वोट किया है, बहुत सारे पक्षों यह दिखाने का प्रयास किया है कि 1894 का दिया हुआ यह जॉर्ज लेमेंतेरे का सिद्धांत आज भी काफ़ी तर्क संगत है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि पूरा ब्रह्मांड कैसे अलग अलग पिंडों के निर्माण से के बना हुआ है। फिर हम अगला टॉपिक किस पे आते हैं, अगला टॉपिक हम आते हैं ब्लैक होल। अगला टॉपिक क्या है, ब्लैक होल। ब्लैक, ये ब्लैक होल क्या है, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करें। ब्लैक होल एक असीमित घनत्व का खगोलीय पिंड है, वो मंदाकिनी यानी गैलेक्सी के केंद्र में अवस्थित, आगे ये भी चर्चा करेंगे मंदाकिनी या गैलेक्सी कैसे बनता है, हम अभी इस पे चर्चा कर लें। गैलेक्सी जो है तारों, असंख्य तारों या एक से अधिक तारों के मिलने से बनती है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं, गैलेक्सी जो है तारों के एक समूह है, एक केंद्र में क्या होता है, असीमित घनत्व का खगोलीय पिंड, ब्लैक होल। ठीक है, और यह असीमित घनत्व का खगोलीय पिंड मंदाकिनी के केंद्र पाया जाता है। और हम एक चीज और देखते हैं कि यह जो ब्लैक होल जो है, अभी हमने कुछ देर पहले चर्चा किया है कि यह ब्लैक होल जो है यह ब्रह्मांड में जो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार एक बिंदु के ब्लास्ट होने के बाद दौरान जो अलग अलग खगोलीय पिंड बन रहे थे उसी दौरान यह ब्लैक होल का भी निर्माण, यानी यह ब्लैक होल का निर्माण इसके इनिशियल फेज से ही देखने को। और एक चीज और वैज्ञानिकों ने, खगोल के वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया आया है कि इसका निर्माण और इसका अलग अलग चरण होता है और यह भी अपने पूरे जीवन चक्र को पूरा करता है और फिर यह भी एक मृत्यु होता है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि जैसे वैज्ञानिकों ने, खगोल वैज्ञानिकों ने बताया है कि तारे का एक जीवन चक्र, वैसे ही ब्लैक होल के चारों ओर जो घूमने वाला मंदाकिनी है उसका भी एक जीवन। और हम जब इसके आगे ब्लैक होल सिद्धांत पढ़ेंगे जो अमेरिकी सह भारतीय वैज्ञानिक कौन, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम ने दिया था ब्लैक होल सिद्धांत, उसमें यह जानेंगे कि कैसे एक बहुत विशाल तारा, बहुत विशाल तारे से अर्थ है कि हमारा जो तारा है यानी हमारा जो सूर्य है उससे कई गुना, लगभग 3 से 8 गुना बड़ा तारा, जिसको बृहत्तर तारा या जायंट स्टार कहते हैं, वो क्या कहते हैं, जायंट स्टार कहते हैं, उसके मृत होने के बाद, उसके मृत होने के बाद इस ब्लैक होल का निर्माण होता है। और यह ब्लैक होल हमारे मंदाकिनी या गैलेक्सी के केंद्र में होता है और वह उसके गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय संतुलन के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कारक होता है। यह ब्लैक होल ही है
जो मंदाकिनी के, या ब्लैक होल ही मंदाकिनी के केंद्र में होता है, और यह उसके गुरुत्वीय ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन का सबसे जिम्मेदार कारक होता है। और इस मंदाकिनी के अंदर जो तारे हैं, जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उसके संतुलन के लिए भी यह ब्लैक होल जिम्मेदार कारक होता है। फिर एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, खगोल वैज्ञानिक है, जिनका नाम है स्वाजी चाइल्ड। उन्होंने एक सिद्धांत दिया इसी ब्लैक होल के बारे में, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि उस सिद्धांत का नाम है स्वाजी चाइल्ड रेडियस सिद्धांत। क्या है? स्वाजी चाइल्ड रेडियस थ्योरी, स्वाजी चाइल्ड रेडियस थ्योरी। इस थ्योरी के माध्यम से स्वाजी चाइल्ड ने, जो लगभग 2013-14 के आसपास का है, ने यह एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया तारों के मृत होने के पश्चात उसका आंतरिक भाग अनंत तक सिकुड़ता है, जिससे इसका आकार छोटा होता जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि तारा अपने अक्ष पे घूर्णन करता है, यानी रोटेशन करता है। तो जैसे जैसे ये तारा अपने आखिरी चरण में सिकुड़ता जाएगा, उसका अक्ष पे घूर्णन जो है, रोटेशन जो है, अति तीव्र होता जाएगा, और वो इतना तीव्र हो जाता है कि वो पलायन वेग, स्केप वेलोसिटी, पलायन वेग, पलायन वेग या स्केप वेलोसिटी सिटी से भी ज्यादा हो जाता है। और जब ये स्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा हो जाता है, यानी तो फिर जो प्रकाश है जो उससे होकर गुजरता है, वो उससे परावर्तित नहीं हो पाता है। उन्होंने, स्वाजी चाइल्ड ने ये कहा कि जब तारे का अंतिम चरण होता है, दौरान जब तारा मृत होता है, उस दौरान क्या होता है कि सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात उसका आंतरिक भाग, जो केंद्रीय भाग है, जो जो कोर एरिया है, वो सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ने के दौरान, छोटा होने के दौरान, उसका अपने एक्सिस पे जो घूर्णन है वो अति तीव्र हो जाता है, और इतना तीव्र हो जाता है कि वो प्लाइन वेग से भी ज्यादा तेज हो जाता है। वेलोसिटी दौरान प्रकाश की गति से भी अधिक हो जाने के कारण क्या होता है? प्रकाश वहां से परावर्तित। इसी सिद्धांत को इससे पहले हमारे बहुत ही फेमस साइंटिस्ट फिजिक्स के आइंस्टीन ने भी इस बात की वो कहा था कि जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल से कोई भी प्रकाश परावर्तित नहीं हो पाता, यानी उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना उच्च होता है, वो प्रकाश को लौटने नहीं देता। इसी प्रकार एक और रिसर्च की चर्चा करेंगे, जिसमें हम क्या देखेंगे कि एक बहुत ही फेमस वैज्ञानिक हैं जो अभी गुजरे हैं, जिनका नाम है स्टीफेंस हॉकिंस। क्या नाम है? स्टीफेंस हॉकिंस। उन्होंने एक किताब लिखी, एक पुस्तक लिखा, जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ टाइम। क्या नाम था? हिस्ट्री ऑफ टाइम। उस हिस्ट्री ऑफ टाइम में स्टीफेंस हॉकिंस ने एक बात कही कि ब्लैक हो सकता है कि ब्लैक होल जैसा कोई चीज हमारे ब्रह्मांड में हो ही ना, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि ब्लैक होल जैसा चीज हमारे ब्रह्मांड में हो ही नहीं, हो सकता है कि जिसको हम ब्लैक होल समझ रहे हैं वो केवल एक होल हो। परंतु फरवरी 2016 में, परंतु फरवरी 2016 में एक वेधशाला है लीबो, जिसका
लीगो वेधशाला, जिसका फुल फॉर्म है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वर। इस प्रयोगशाला के माध्यम से एक रिसर्च उभर के आया 2016 में। उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड में लगभग 1.2 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर अवस्थित दो क्या ब्लैक होल, जिनका आपस में टकराने के बाद विलय हो गया। उस विलय में क्या देखा गया कि इसका जो ब्लैक होल का जो गुरुत्वीय त्वरण था वह ध्वनि तरंगों में परिवर्तित हो। इस बात से यह वैज्ञानिकों की पुष्टि मिली, वैज्ञानिकों ने यह हल निकाला, ब्लैक होल है तभी तो गुरुत्वीय त्वरण ध्वनि में परिवर्तित। ठीक है, इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि स्टीफन हॉकिंग्स का यह सिद्धांत कि हो सकता है कि जिसे हम ब्लैक होल समझ रहे हैं वो ब्लैक होल हो ही नहीं बल्कि क्या हो, वो एक होल हो, वो धारणा पूरी तरह से गलत साबित हो गई। फिर हम क्या देखते हैं, अगला पॉइंट जो है कि इस धारणे से, नए रिसर्च से जो 2016 में स्थापित हुआ, जो लीगो प्रयोगशाला के द्वारा हुआ, उसने यह चीज कंफर्म कर दिया कि ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के पार्ट के रूप में क्या ब्लैक होल, और यही ब्लैक होल जो है हमारे मंदाकिनी के केंद्र में होता है, और मंदाकिनी के गुरुत्वीय त्वरण और तारों, ग्रहों, उपग्रहों के बैलेंस के लिए अति आवश्यक। यानी क्या है, जो हमारा सिस्टम है, ब्रह्मांड का जो सिस्टम है, जिसमें सोलर सिस्टम भी, जिसमें मंदाकिनी या आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जा रहे हैं लेकिन आपस में टकरा नहीं रहे, वो इसके पीछे का एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो ब्लैक होल है जो मंदाकिनी के केंद्र में है वो इसको संतुलित किए हुए, और इसी संतुलन के कारण ये पिंड के टकराने की घटना, या अभी तक उस पर रिसर्च, लेकिन वैज्ञानिकों का मत है ये ब्रह्मांड के संतुलन के लिए ब्लैक होल की आवश्यकता। फिर हम अगला टॉपिक क्या देखते हैं कि इसमें एक चीज देखते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का वर्गीकरण, पूरे ब्रह्मांड का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन उसके आकार या साइज के बेस पे किया गया, और इसमें क्या माना गया, विश्व के अधिकांश खगोल वैज्ञानिकों ने तारे को मुख्य रूप से एक इकाई माना है, एक परिवार माना है, और हमारा सूर्य भी एक तारा है, और उसके प्रत्येक तारे, उस प्रत्येक तारे के कुछ ग्रह उपग्रह होते हैं, तथा उसी से क्षुद्र ग्रह, उल्का, उल्कास, पुच्छल तारे आदि भी उसमें शामिल होते हैं। फिर हम क्या देखते हैं, जो आकार है, जो ब्रह्मांड का वर्गीकरण है, उसमें इकाई के रूप में किसको माना गया है, इकाई के रूप में तारा को माना गया है, तारा को या स्टार को माना गया है, एक इकाई के रूप में, सबसे बेसिक इकाई के रूप में तारे को माना गया, और एक से अधिक तारे के समूह को क्या कहते हैं, तारामंडल। तारामंडल और नक्षत्र में अंतर है, तारामंडल या नक्षत्र, इस अंतर में यह है कि तारामंडल एक व्यवस्थित क्रम जो एक चित्र या एक निश्चित आकार धारण करता है, जिसमें कुछ तारे होते हैं तारामंडल, और इसमें असंख्य तारे होते हैं नक्षत्र का, यानी एक से अधिक तारामंडल, एक से अधिक तारों के समूह को तारामंडल भी कह सकते हैं, नक्षत्र भी, लेकिन यहाँ इसके व्यवस्थित आकार के कारण इसको तारामंडल के रूप में जाना जाता है। एक से अधिक असंख्य तारों
काफी बड़ी संख्या में तारों के समूह को नक्षत्र। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारे सौरमंडल के चारों ओर लगभग 27 नक्षत्र और उसमें से 12 को ही क्या है, 12 से को ही मान्यता प्राप्त, और हर महीने सूर्य जो है एक नक्षत्र को पार कर, सॉरी पृथ्वी जो है हर महीने एक नक्षत्र को पार कर, और यही नक्षत्र जो है हमारे ज्योतिष विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। इसमें हम राशियों को देखते हैं और उसके अध्ययन के आधार पर ज्योतिष विज्ञान विभाग के बहुत सारे क्रियाकलापों को इसे जोड़ कर देखते हैं। नक्षत्र में, नक्षत्र का उदाहरण में हम सप्तर्षि को भी देख सकते हैं और भी सारे तरह के नक्षत्र। फिर इन नक्षत्रों के मिलने से इन असंख्य तारों या नक्षत्रों से बड़ा यूनिट, इन असंख्य नक्षत्रों या तारों के समूह को मिला के क्या बनता है, मंदाकिनी का निर्माण। और तारों की तरह ही मंदाकिनी का भी एक क्या होता है, जीवन चक्र होता है। और इसी जीवन, जैसे तारा का अनेक स्टेप होता है उसके जीवन का, जैसे शैशवावस्था, युवा अवस्था, हम देखते हैं लाल दानव तारा, फिर हम देखते हैं अभी हम आगे पढ़े, और फिर यह तारा नोवा विस्फोट के बाद वृत्त हो जाता है या अलग अलग कैटेगरी रूप में ढल जाता है, के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसी तरह मंदाकिनी का भी एक जीवन चक्र होता है, और हमारे मंदाकिनी का नाम क्या है, हमारे मंदाकिनी का नाम है आकाश गंगा, और इसको हम प्रकाश की नदी की भांति आकाश में एक स्वरूप के रूप में देखते हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा इसको देखा गया है, इसीलिए इसे दूध की गंगा भी मिलकी। ठीक है, क्या कहते हैं, मिलकी वे कहते हैं। फिर इन्हीं कई मंदाकिनियों के मिलने से क्या बनता है, सुपर क्लस्टर या स्थानीय ग्रुप बनता है। इसी स्थानीय ग्रुप क्या बनता है, स्थानीय ग्रुप या लोकल ग्रुप, ग्रुप बनता है, और इन लोकल ग्रुप को मिला के ग्रेट वॉल बनता है, और कई सारे ग्रेट वॉल मिलके क्या बनाते हैं, ब्रह्मांड बनाते हैं, यूनिवर्स। तरह से हम क्या देखते हैं कि तारों के आकार के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है, जो कि हम पहले ही टॉपिक की चर्चा किए थे। इसका जो वर्गीकरण हुआ है वो ब्रह्मांड का जो वर्गीकरण हुआ है वो आकार के आधार पर हुआ, और उस आकार के आधार पर हम क्या देखते हैं, कैसे तारे को प्राथमिक इकाई मानते हुए हम अलग अलग वर्गीकरण करते हैं। क्यों, क्योंकि ब्रह्मांड जितना असीमित घनत्व और आकार का क्षेत्र है उसका, तो उसकी गणना, उसको अध्ययन, उसको समझने के लिए हमको अलग अलग इकाइयों में बांटना हो, कैसे, जैसे हम डिस्टेंस को बांट मीटर में, सेंटीमीटर, किलोमीटर में, ठीक है, वैसे ही हम, ये क्या है, डिस्टेंस का एक इकाई है जिसमें हम छोटे यूनिट को, फिर छोटे यूनिट को जोड़ के एक बड़ा यूनिट बनाते हैं, फिर उस बड़े यूनिट को जोड़ के उससे बड़ा यूनिट, इसी तरह हम तारे को, कई तारे को मिला के नक्षत्र बनाए, फिर उसी लाखों अरबों तारों को मिला के मंदाकिनी बनाए। इन मंदाकिनियों, असंख्य मंदाकिनियों के मिलने से हम क्या देखते हैं, स्थानीय ग्रुप बनता है, और इसी स्थानीय ग्रुप के मिलने से हम देखते हैं ग्रेट वॉल बनता है, और इसी ग्रेट वॉल के बाद ब्रह्मांड बनता है। और ये ब्रह्मांड क्या, सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ी इकाई जो है
सबसे बड़ा यूनिट है वो है ब्रह्मांड। जैसे हम प्राथमिक इकाई तारे को माने थे, सबसे छोटी इकाई तारे को माने थे, उसी तरह सबसे बड़ी इकाई हम किसको माने हैं? ब्रह्मांड को माने, ठीक है। इस तरीके से हम ब्रह्मांड का वर्गीकरण देख पाते हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि अलग अलग जो तारे हैं वो तारों के लेके, जो अभी मैंने कुछ देर पहले चर्चा की थी ब्लैक होल सिद्धांत के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे भारतीय सह अमरीकी खगोल वैज्ञानिक चंद्रशेखर सुब्रमण्यम ने ब्लैक होल के बारे में अपना एक सिद्धांत दिया था, और उसी में उन्होंने बताया था कि तारों के मृत होने के पश्चात वो कैसे कैसे अलग अलग वर्गों में बढ़ते हैं। फिर हम उस पर आज चर्चा करें। दूसरा ब्लैक होल जो सिद्धांत, ब्लैक होल थ्योरी, चंद्रशेखर मनियम, मनियम ने 1930 में, कब 1930 में, इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, ने तारों के जीवन चक्र और ब्लैक होल के निर्माण प्रक्रिया से संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत, जिसमें ब्लैक होल सिद्धांत, जिसको ब्लैक होल सिद्धांत कर, चंद्रशेखर ने इस सिद्धांत में क्या बताया कि आकार के आधार पर तारों का वर्गीकरण प्रस्तुत होता है, जिसमें सबसे छोटा तारा एक यूनिट के रूप में माना जाता है, और उसको किसको माना गया है? सबसे छोटा तारा माना गया है अपने सूर्य को। किसको? अपने सूर्य को। इसी सूर्य को सबसे छोटा यूनिट चंद्रशेखर सुब्रमण्यम में माना, और कहा कि यह सबसे छोटा आकार का तारा है, और लगभग इसको हम एक इकाई के रूप में माने, क्या एक यूनिट के रूप में माने। अगर ये एक यूनिट है, एक से लेके 1.44 आकार का के जितने भी तारे हैं उसको छोटा तारा माना जाएगा, ठीक है, तो क्या माना जाएगा? छोटा तारा, स्मॉल स्टार। इस एक से लेके, जिसको सूर्य को अगर एक इकाई माना गया, तो सूर्य से लेके 1.44 आकार, यानी सूर्य से बड़ा, लगभग डेढ़ गुना से थोड़ा कम आकार के जितने भी तारे होंगे तो छोटा तारा माना। और इसी छोटे आकार के तारे में सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात क्या होता है? तारा मृत हो जाता है। परंतु इस तारे के मृत होने से पहले, जब सुपरनोवा विस्फोट होता है, पहले जो उसका केंद्रीय पार्ट है, सेंट्रल कोर एरिया, सेंट्रल कोर यानी केंद्रीय पार्ट है, वो क्या होता है? पहले व्हाइट ड्वार्फ यानी श्वेत बामन में परिवर्तित होता है, फिर ब्लैक बामन यानी काला बामन में परिवर्तित, फिर क्या हो जाए, यानी वो किसी ब्लैक होल का पार्ट बन। फिर उन्होंने जो दूसरा वर्गीकरण किया वो क्या किया कि जो तारे का आकार 1.44 से ज्यादा और लगभग सूर्य के तीन गुना, कितना? 3 times होगा, वो तारे का जो अंतिम चरण होगा वो उसमें क्या बन जाएगा? न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा, न्यूट्रॉन तारा बन। फिर हम इसकी चर्चा आगे करेंगे कि कैसे वो सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात 1 से लेके 1.44 छोटे तारे हैं, कैसे पहले श्वेत बामन तारा बनेंगे, फिर वो काला बामन या कृष्ण बामन तारा बनेंगे, फिर वैसे ही हम चर्चा आगे करेंगे कि फिर जो दूसरा चरण है इसमें हम क्या देखते हैं कि कैसे न्यूट्रॉन तारा बनेगा, जो लगभग 1.44 से तीन गुना तक होगा। 1.44 से तीन गुना का क्या मतलब है? यह सूर्य से इसकी गणना की जाए, सूर्य जिसको एक यूनिट माना गया उससे लगभग 1.44 से लेकर तीन गुना तक के तारे होंगे मृत सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद क्या बनेंगे, वो न्यूट्रॉन तारा। और जो तीसरा चरण है, जो तीसरा वर्गीकरण है, वो यह है
लगभग 3 से 15 गुना। बड़ा तारा, इसको बृहद या राक्षसी तारा कहते हैं या जायंट स्टार कहते हैं, वो मृत होने के बाद ब्लैक होल बनेगा। क्या बनेगा? जिसकी चर्चा हम उस समय से क्लास में कर रहे हैं वो यही था कि ये कैसा तारा ब्लैक होल बनेगा। तो वो तारा जो लगभग सूर्य से 3 गुना से लेके 15 गुना है, सामान्यतः यह माना जाता है कि 8 गुना से लेके 15 गुना बड़ा जो जायंट स्टार है, राक्षसी या बृहद बड़ा तारा, वो ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित। ठीक है, फिर हम तारों के जीवन चक्र के बारे में जानने की कोशिश, ये तारों का जीवन चक्र कैसे होता है। चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ही ब्लैक होल सिद्धांत के अंतर्गत तारों के जीवन चक्र की प्रक्रिया को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया था बिग बैंग विस्फोट के सारा द्रव्यमान ब्रह्मांड में बिखर गया, और यही बिखरे द्रव्यमान नेबुला कहा गया, इसको कच्चे धूल के बादल कहा गया, इसी से तारों का निर्माण, इन्हीं नेबुलाओं से तारों का निर्माण। ठीक है, एक और वैज्ञानिक जिनकी चर्चा अभी मैंने कुछ देर पहले की थी, स्टीफन हॉकिंग्स ने, उन्होंने तारों के अलग अलग पीढ़ियों के बारे में, उन्होंने तारों को 3 जनरेशन में बांटा है। क्या? स्टार को इस 3 जनरेशन में बांटा है। ठीक है, 3 जनरेशन में बांटा। पहला जनरेशन उन्होंने माना, इसका निर्माण लगभग 9.5 बिलियन यानी अरब वर्ष पहले, पहली पीढ़ी बिलियन वर्ष पहले, पहली पीढ़ी के तारों का निर्माण हुआ, और यह लगभग पूरे ब्रह्मांड के 85% तारे इसी फर्स्ट जनरेशन वाले ग्रुप में शामिल है। फिर दूसरा जो उन्होंने ग्रुप बांटा वह यह बांटा, लगभग 7.5 बिलियन से 8 बिलियन वर्ष पूर्व जो दूसरी पीढ़ी के तारे थे, दूसरी पीढ़ी के तारे 7.5 से 8 बिलियन पूर्व दूसरी पीढ़ी के तारे निर्मित हुए, और जो तीसरी पीढ़ी के तारे थे वो लगभग 6.5 से 6 अरब वर्ष पूर्व निर्मित हुए, 6.5 से 6 अरब वर्ष पूर्व निर्मित हुए। और इस प्रकार से आइंस्टीन ने पूरे तारों के निर्माण को अलग अलग जनरेशन में बांटा है। इस अलग अलग जनरेशन के माध्यम से यह बताया है कि पूरे ब्रह्मांड में जो तारे हैं वो एक ही फेज एक ही चरण से नहीं गुजर रहे, अलग अलग तारों का आयु या का जन्म अलग अलग है। क्या मतलब है कि बहुत सारे तारे बहुत पहले बन गए, कुछ तारे उसके बाद बने, और कुछ तारे और भी उसके बाद बने, जिसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा जो सूर्य है वो लगभग तीसरी पीढ़ी का तारा। ठीक है, और इस तीसरी पीढ़ी के तारे में हम सूर्य को रखते हैं। मतलब क्या है? हमारा सूर्य अभी सबसे युवा तारा है। ठीक है, और जो 9.5 बिलियन वर्ष पूर्व के जो तारे हैं वो सबसे वृद्ध तारे माने जाते हैं। ठीक है, अब इन तारों के वर्गीकरण को या चरण को हम अलग अलग तरीके से, ठीक है, हम क्या देखते हैं कि नेबुलाओं, जो नेबुला जो बिग बैंग के बाद जो द्रव्यमान जो मास पूरे ब्रह्मांड में फैला, उस नेबुला में कई प्रकार के तत्व, इसको नेबुला कहा जाता है, उस नेबुला में कई प्रकार के तत्व या यौगिक शामिल होते हैं। ठीक है, जिसमें आकर्षण और विकर्षण की प्रक्रियाएं प्रारंभ होती, तथा बिखरे नेबुला का भाग एक संरचना के रूप में इसी आपसी अंतर आकर्षण के कारण अत्यधिक हाइड्रोजन अणु निर्मित हो। ऐसे इन नेबुलाओं के अधिक अधिक अंतर आकर्षण के कारण क्या होता है? अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोजन अणु निर्मित होते हैं, और इन्हीं
हाइड्रोजन अणुओं की मात्रा के आधार पर तारों के उम्र का निर्धारण। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो जिस पे कई बार अलग अलग एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं कि तारों का जो चरण है, जो स्टेज है, जो जीवन लाइफ साइकिल का जो स्टेज है, लाइफ साइकिल का जो स्टेज है वो कई चरण से होके गुजरता है। इसमें सबसे पहला चरण आता है क्या? सैसवा अवस्था। इस सैसवा अवस्था में क्या होता है, इसकी क्या खासियत है? इसमें ये होता है कि लगभग 95% इसमें हाइड्रोजन होता है और यह इसी सैसवा अवस्था वाले तारे या स्टार को हम क्या बोलते हैं, इसी सैसवा अवस्था वाले तारे या स्टार को हम प्रोटो स्टार। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, या आद्य तारा कहते हैं, ठीक है। और इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग नीला होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, यह सबसे ज्यादा चमकीला, मतलब सबसे ज्यादा ब्राइट, सर्वाधिक चमकीला। फिर हम क्या देखते हैं, इसके अगला चरण क्या है? अगला चरण है युवा अवस्था। इसको हम सिक्वेंशियल स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं? इस सिक्वेंशियल स्टार में हाइड्रोजन की जो मात्रा यहां 95% थी, वो घट के क्या हो जाता है? लगभग 70% का। और हीलियम जो है वो 30%। हाइड्रोजन 70% हो जाता है और हीलियम 30%, ठीक है। एक चीज आप लोग जान लीजिए कि जो हाइड्रोजन होता है, वो हाइड्रोजन के अणुओं के बीच जो नाभिकीय संलयन यानी नाभिकीय न्यूक्लियर फ्यूजन की जो प्रक्रिया होती है, उसी से बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्रकाश के रूप में या ताप के रूप में निकलती है और उसी के परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन जो है, इस फ्यूजन के परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन जो है हीलियम में परिवर्तित। हम क्या देखते हैं, युवा अवस्था में हाइड्रोजन घटने लगता है और हीलियम इस दौरान जो 95% सैसवा अवस्था में 70% पे और शेष पार्ट 30% हीलियम हो जाता है। फिर अगला अवस्था जो होता है वो होता है लाल दानव तारे। तो हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं रेड जायंट स्टार। क्या? रेड जायंट। इस रेड जायंट स्टार में जो हाइड्रोजन की मात्रा होती है वो 30% हो जाती है। कितना? 30%। और फिर जब ये 30% हो जाएगा तो हीलियम की मात्रा 70%। यानी क्या है, हाइड्रोजन संलयित होके ऊर्जा गैस या ताप के रूप में परिवर्तित हो रहा है और इस नाभिकीय संलयन के द्वारा हाइड्रोजन जो है हीलियम में परिवर्तित, ठीक है। इस लाल दानव तारे के दो खास विशेषताएं होती है। वो दो खास विशेषताएं क्या होती हैं? एक तो ये होता है कि यह दो अस्पष्ट भागों में बट जाता है। जैसे एक जो इसका मेन पार्ट होता है वो होता है सेंटर, और दूसरा इसका बाहरी पार्ट होता है इसका, ये होता है सेंटर और ये होता है इसका बाहरी, ठीक है, और ये
रहा। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि का जो बाहरी पार्ट है ये फैलता रह जाता है, और ये सेंटर का पार्ट जो हीलियम से बना होता है ये उड़ता जाता है। इसी दौरान हम क्या देखते हैं कि इसमें जो ये अवस्था होती है, अगर हम इस अवस्था को देखें, अगर हम सूर्य को देखें, अपने सूर्य को, तो वैज्ञानिकों का यह अध्ययन है कि लगभग 5 अरब वर्ष बाद हमारा सूर्य भी रेड जायंट यानी लाल दानव तारा चरण से होके गुजर, उस दौरान इसका आकार लगभग 50 गुना बड़ा हो जाएगा, ना लगभग 50 गुना बड़ा हो जाएगा। और इस 50 गुना बड़ा होने के चलते ये क्या होगा, हमारे पृथ्वी के आकाश का लगभग 1/3 पार्ट, पृथ्वी के आकाश का लगभग 1/3 पार्ट इस सूर्य से ही भर जाएगा, सूर्य के ही बाहरी छल्ले से ढक जाएगा। इससे क्या होगा, उस दौरान इस सूर्य के से निकलने वाली ऊष्मा तो कम हो जाएगी, परंतु ये हमारे पृथ्वी के इतना नजदीक आ जाएगा, इससे निकलने वाला ताप जो है आज की तुलना में कई गुना ज्यादा हम ताप के रूप में, सूरज की किरण के रूप में हमें मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से ये तारा का तीसरा चरण होता है जो रेड जायंट तारा के। फिर अगला चरण क्या होता है, अगला चरण होता है सुपर नोवा विस्फोट। ठीक है, इस सुपरनोवा विस्फोट में क्या होता है, यह लाल दानव तारा के अंतिम चरण का पाठ होता है सुपरनोवा विस्फोट में। क्या होता है, जो लाल दानव तारा है, रेड जायंट स्टार है, उसका बाहरी छल्ला ब्लास्ट के साथ, और ये ब्लास्ट के साथ टूटा हुआ जो छल्ला है ये फिर से नेबुला के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हमने शुरू में ही पढ़ा था कि कैसे बिग बैंग थ्योरी के आधार पे एक बिंदु में संचित या केंद्रित जो मास है वो ब्लास्ट के बाद कैसे पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। इसी तरह यह जो बाहरी छल्ला है इसके ब्लास्ट के बाद बाहरी छल्ला नेबुला में परिवर्तित हो जाता है, और ये फिर अगले तारे के निर्माण की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। अब बचता है ये अंदर का आंतरिक कोर पार्ट, इसका क्या होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम इसको 3 पार्ट में बताए थे कि कैसे छोटा जो तारा होता है 1 से लेके 1.44 गुना तक होता है, उसका वो क्या बनता है, वो मृत तारा बन जाता है। फिर हमने बताया था 1.44 से लेकर 3 गुना तक के आकार के तारे कैसे बनते हैं। फिर हमने ये बताया था कि 3 गुना से लेकर 15 गुना, जो सामान्यतः 8 गुना से 15 गुना, वो तारे जो है वो इसमें बदल जाते हैं, ब्लैक होल में बदल जाते हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से उस तारे के अलग अलग चरण के बारे में भी जानेंगे। हम फिर ये भी बताए थे जब तारा मृत होता है कैसे वो श्वेत बामन में बदलता है, फिर कृष्ण बामन। ठीक है, अब इस पे चलते, सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारे का जो आंतरिक भाग होता है, ठीक है, वो अपने आकार के आधार पर 3 प्रकार के खगोलीय पिंडों में परिवर्तित। पहला जो 1 से लेके 1.44 आकार तक के जो तारा होता है, इसको सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने जिस बारे में, वो इसीलिए 1.44 जो होता है इसको चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं, या चंद्रशेखर लिमिट भी कहते हैं। ठीक है, तो 1 से लेके 1.44 तक के जो बहुत ही कम द्रव्यमान सबसे छोटा तारा होता है वो तारा मृत हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो बाह्य छल्ला होता है वो बाह्य छल्ला के विस्फोट के पश्चात बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है, जिससे क्या होता है, जो इसका केंद्रीय पार्ट होता है जो हीलियम का बना होता है
उच्च ऊष्मा के निकलने से उसका केंद्रीय पार्ट जो हीलियम का बना होता है वो चमकने लगे। वो उसकी अपनी चमक नहीं होती है क्योंकि इसमें हीलियम है, हाइड्रोजन नहीं है। इसमें नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन जैसी कोई प्रोसेस होगा जिसके कारण हमें ऊष्मा प्राप्ति हो। तो यहाँ हीलियम है, इस हीलियम से कोई न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता। तो ये कैसे चमकने लगता है? जो रेड जायंट तारा है, जो लाल दानव तारा है, लाल दानव तारा के बाहरी छल्ले के महाविस्फोट के पास जो असीमित मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, प्रकाश मुक्त होती है, तो ये चमक। लेकिन ये चमक तो इसकी अपनी होती नहीं है, ये चमक तो बाह्य छल्ले के टूटने से होती है। जब तक ये चमक उष्मा के आकाश में विद्यमान होती है तब तक ये चमकता है। धीरे 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 तो चमक कम होने लगे। क्यों? क्योंकि ये ब्लास्ट प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगे। ये अपनी ऊर्जा नहीं बना रहा है, अपनी उष्मा नहीं बना रहा है। जो चमक रहा है वो इसके ब्लास्ट के कारण चमक, धीरे 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 चमक कम पड़ने लगती। और जब ये चमकता है इसको श्वेत वामन या व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। और जब यह चमक कम होने लगती है और यह धुंधला पड़ने लगता है, जब यह इसकी चमक खत्म हो जाती है, क्या बोलते हैं? कृष्ण वामन या ब्लैक ड्वार्फ। क्या बोलते हैं? ब्लैक ड्वार्फ बोल। इस प्रकार क्या देखते हैं? ब्लैक ड्वार्फ में परिवर्तित यह तारा, अनेक खगोल वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ब्लैक ड्वार्फ कृष्ण वामन तारा, मृत जो तारा है, या मृत तारे का जो एक केंद्रीय भाग है जो हीलियम का बना हुआ डार्क एनर्जी में तथा वर्तमान ब्रह्मांड का लगभग 80-85% ऊर्जा डार्क एनर्जी से ही संबंधित, जो ब्रह्मांड में अदृश्य काले धब्बे के रूप में। फिर अगला, ये तो हुई 1 से लेके 1.4 आकार के तारों के मृत होने के बाद का, या सुपरनोवा विस्फोट के बाद उसकी क्या अंतिम दशा होती है। लेकिन हम फिर अगला देखते हैं कि अब 1.44 से लगभग 3 times बड़े मृत स्टार का क्या होता है। ठीक है, जब सुपरनोवा विस्फोट हो जाता है तो उसके बाद उसका क्या होता है, हम देखते हैं कि जो 1.44 से लेकर जो 3 तक का बड़ा स्टार होता है, स्टार का जो आंतरिक भाग होता है जो हीलियम का बना होता है, जो सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात बच जाता है, वो न्यूट्रॉन तारा बनता है। या कैसे बनता है? या अपने अक्ष पर अति तीव्र गति से घूर्णन करता है। इसके तत्वों के परमाणु के नाभिक से प्रोटॉन क्या होता है, तत्वों के नाभिक न्यूक्लियस से अति तीव्र घूर्णन करने के कारण क्या होता है, प्रोटॉन जो है वो बाहर निकल जाता है। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगर प्रोटॉन बाहर निकल गया तो क्या बचता है? न्यूट्रॉन शेष रह जाता है, इसीलिए इसको न्यूट्रॉन तारा। और यह सबसे महत्वपूर्ण इससे जुड़ा हुआ बात है न्यूट्रॉन तारा से, वो यह है, यह ब्रह्मांड में रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे के लिए सबसे जिम्मेदार ये न्यूट्रॉन तारा है। जब यह तारा अति अत्यंत गति से घूमने लगता है, इसी को क्या कहते हैं? पल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्सर। पल्सर बाइक के नाम पर इसको याद रखिए, कई बार स्टंट के लिए भी यह पल्सर बाइक उसी तरह तेज स्पीड के लिए पल्सर बाइक यूज, उसी तरह जब न्यूट्रॉन तारा अपने एक्सिस पे
अति तीव्र गति से जब घूमने लगता है तो वो क्या बनता है? तो वो बनता है पल्सर। ठीक, फिर हम आगे क्या देखते हैं? अब हम अगला स्टेज देखते हैं कि जो 3 टाइम्स से लेके लगभग 15 टाइम्स 15 गुना तक के आकार के साइज के जो स्टार होते हैं उनका अंतिम चरण या अंततोगत्व उनका क्या होता है ये हम जानने की हम इससे पहले भी इसी क्लास में ये बताते हैं। इसी का आंतरिक भाग जो है सबसे बड़ा तारे के ग्रुप है उस आंतरिक भाग इसमें परिवर्तित हो जाता है ब्लैक होल। ब्लैक होल में ठीक है, इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि अलग अलग जो तारों का आकार था कार का जो जीवन चक्र है वो शैशवावस्था युवा अवस्था फिर रेड दानव यानी लाल दानव अवस्था फिर सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो उसका केंद्रीय भाग जो आंतरिक केंद्रीय भाग है वो किस अगर वो अपने आकार के आधार पर किस तरह से अलग अलग का जैसे कि हम देखते हैं कि जो सब 1 से लेकर 1.44 आकार के जो तारे हैं वो सुपरनोवा विस्फोट तारे बन जाते हैं डार्क एनर्जी का। फिर हम दूसरा क्या देखते हैं कि जो 1.44 से 3 गुना तक के आकार के जो तारे हैं वो न्यूट्रॉन तारे में परिवर्तित हो जाते हैं और वो न्यूट्रॉन तारा कैसे पल्सर जब तीव्र गति से अपने अक्ष पर घूमता है तो कैसे कहलाता है। फिर हम तीसरा चीज़ क्या देखते हैं, तीसरा चीज़ ये देखते हैं कैसे 3 गुना से लेकर 15 गुना के जो तारे हैं उनका आंतरिक भाग जो कोर पार्ट है जो हीलियम का बना वो इसमें परिवर्तित हो जाता है ब्लैक होल। ब्रह्मांड का प्रत्येक तारा उष्मा मुक्त करता है इसका प्रमुख कारण क्या है, हाइड्रोजन अणुओं का संलयन प्रक्रिया। इसके बारे में अभी हम क्या बताएंगे, क्लियर फिजन होता है नाभिकीय संलयन होता है, इस संलयन के पश्चात हाइड्रोजन अणु हीलियम में परिवर्तित होता है और हमारा सूर्य भी एक तारा है इस सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस केंद्र का तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। यदि किसी भी तत्व का या अणु का तापमान 5000 या 6000 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होता है अत्यधिक तापमान के कारण बहुत ज़्यादा के कारण जो एटम्स होते हैं एटम्स के जो न्यूक्लियर है नाभिक है वो टूट जाते हैं और उसका जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो क्या होता है मुक्त अवस्था में या फ्री स्टेट में मुक्त अवस्था या फ्री स्टेट में मूव करने लगता है। क्या करने लगता है? मूव करने लगता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को उस एलिमेंट का प्लाज्मा स्टेट स्टेट का क्या कहते हैं तो प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। आज ब्रह्मांड के निर्माण और उस ब्रह्मांड में तारों के निर्माण के बाद ऐसे तारों का तारे जब वृद्ध होते नए तारे जाके तो विस्फोट साथ बनते हैं इससे और उस नेबुला विस्फोट सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो नेबुला फिर बनता है वो फिर कैसे तारों के निर्माण में पार्टिसिपेट करता है सहभागी बनता है पूरे चरण को फिर हमने देखा ब्लैक होल। ब्लैक होल से जुड़े स्थान इतना ब्रह्मांड के निर्माण और उत्पत्ति में कितना महत्वपूर्ण है संतुलन और गुरुत्वीय त्वरण के लिए मंदाकिनी के गुरुत्वीय त्वरण के लिए इतना महत्वपूर्ण है। फिर हमने देखा कि ब्रह्मांड में जो तारे तारा है उसको एक इकाई मानते हुए पूरे ब्रह्मांड के खगोलीय पिंडों को कैसे वर्गीकृत उसके आकार के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया गया सारे बिंदुओं पर हमने आज चर्चा अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। अगर कोई सवाल हो या कोई
कंसेप्ट समझ में नहीं आया हो आप प्लीज कमेंट में इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम अगली बार सारे हिंदुओं को आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर अगला वीडियो। थैंक यू।